इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488-8569-88-9234-62-3333। जीएस न्यूज बुलेटिन में आज से शुरू हो रहे प्रतियोगिता का पहला सवाल आपके लिए, किस क्रिकेटर ने सबसे ज्यादा व्यक्तिगत रन बनाए हैं? ए वीरेंद्र सहवाग, बी एम एस धोनी, सी रोहित शर्मा या डी सचिन तेंदुलकर। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ज्यादा और अधिक दिन तक सही जवाब देने वाले को जीएस न्यूज की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार, साथ ही हम करेंगे उनके साथ एक इंटरव्यू खास मुलाकात। भागलपुर जिले में मास्क से किया किनारा तो प्रतिष्ठान होंगे बंद। भागलपुर जिले के सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसके साथ ही सभी शॉपिंग मॉल, दुकान, सार्वजनिक वाहन, ऑटो व बस में मास्क पहनना भी अनिवार्य हो गया है। इस बाबत भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने अधिकारियों को सख्ती से नियम का अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। आदेश पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठान व वाहनों के परिचालन को बंद किया जाएगा। प्रतिष्ठान व वाहन मालिकों के साथ चालक और कर्मियों की जिम्मेदारी होगी कि जो बिना मास्क वाले व्यक्ति हो उन्हें प्रवेश से वर्जित रखें। भागलपुर जिले में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, मिले 8 नए कोरोना मरीज। भागलपुर के शहरी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बुधवार को आई जांच रिपोर्ट में 8 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें भागलपुर शहरी क्षेत्र निवासी एक मीडियाकर्मी और नर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा नाथनगर के 2, सबौर में 1 और खरीक में 3 शामिल हैं। खरीक में माँ और 2 बेटों की जाँच भी पॉजिटिव निकली है। वहीं 3 दिनों से बंद सदर अस्पताल में फिर से संदिग्ध कोरोना मरीजों का सैंपल लिया जाने लगा है। बुधवार को 120 लोगों का सैंपल लिया गया, 16 लोगों को जिसमें छुट्टी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि शिक्षक महाविद्यालय अस्पताल के कोविड सेंटर से 16 लोगों को स्वस्थ होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई, जिसमें पीरपैंती के 9, नौगछिया के 2, खरीक के 4 और खरीक के ही 1 व्यक्ति शामिल हैं। 6 जुलाई से भरे जाएंगे स्नातक पार्ट 2 और पार्ट 3 के परीक्षा फॉर्म। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कॉलेजों में 6 जुलाई से स्नातक पार्ट 2 और 3 की परीक्षा फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे। इसकी तैयारी सभी कॉलेजों ने शुरू कर दी है। TMBU के परीक्षा समन्वयक प्रोफेसर अशोक ठाकुर ने सभी कॉलेजों के प्रबंधन को वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए फॉर्म भरने के दौरान शारीरिक दूरी का पालन कराने को कहा है। इसी कड़ी में कुछ कॉलेजों ने अधिक काउंटर खोले जाने तो किसी ने छात्रों को 2 मीटर की दूरी का पालन कराने के लिए काउंटर के आगे सर्किल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बावजूद इसके कॉलेज प्रशासन अधिक भीड़ जुटने की स्थिति में क्या करे क्या ना करे को लेकर संशय की स्थिति में है। नवगछिया में कंटेनमेंट जोन घोषित होने के 6 दिन बाद प्रशासन सख्त, दुकानों को किया गया बंद, सील हुआ नवगछिया शहर। कंटेनमेंट जोन घोषित होने के 6 दिन बाद प्रशासनिक सख्ती के बाद बुधवार को नौगछिया शहर पूरी तरह से सील कर दिया गया। बुधवार को नौगछिया शहर की आवश्यक सेवा से जुड़ी दुकानों के अलावा बाकी सभी दुकानें बंद थी। शहर में सिर्फ दवाई दुकान, किराना दुकान एवं कृषि सामग्री से जुड़े दुकान ही खुले थे। बाजार में जगह जगह पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल भी मौजूद थे। पुलिस पदाधिकारी के जगह जगह प्रतिनियुक्त होने के कारण बुधवार को लोग अपने अपने घरों में ही रहे। हालांकि संध्या में बाहरी लोगों का नौगछिया में आना जाना बना रहा। सुबह से लेकर दोपहर तक शहर की सड़कें पूरी तरह सन्नाटा छाया रहा। इक्के दुक्के लोग ही इधर दिख रहे थे। बुद्धिजीवी ने कहा कि शहर को और ज्यादा सख्ती से सील किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि नौगछिया में एक साथ लगातार 36 मामले सामने आने के बाद स्थिति संवेदनशील है। वहीं दूसरी तरफ नौगछिया में स्वास्थ्य विभाग को अब डोर टू डोर सैंपलिंग करने की आवश्यकता है। इसके लिए विभाग को तैयारी शुरू कर देना चाहिए। नौगछिया के आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव और राजद नेता विश्वास झा ने कहा कि नौगछिया में अब जहां तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है वहां तक डोर टू डोर सैंपलिंग जांच कराने की आवश्यकता है। नवगछिया में मास्क नहीं लगा रहे लोग, जांच नहीं कर रहा नगर पंचायत, अब तक एक भी व्यक्ति पर नहीं किया गया है फाइन। नौगछिया में 5% से भी कम लोग मास्क का प्रयोग करते हैं, जबकि जानकारों द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि मास्क का उपयोग करने से 90% तक बीमारी की संभावना कम हो जाती है। जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने नगर पंचायत प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मास्क चेक करने के मामले में नगर पंचायत प्रशासन लापरवाह है, जिसके कारण लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि नगर पंचायत को कम से कम 2 दिनों तक रेगुलर मास्क चेक करना चाहिए और मास्क नहीं पहनने वालों पर फाइन भी करना चाहिए।
वहीं पूछे जाने पर नौगछिया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार ने कहा कि जल्द ही मास्क चेक सख्ती से किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने शहर वासियों से शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मरीज के मद्देनजर शहर के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने एवं कंटेनमेंट जोन के नियमों का पालन करने की अपील की है। नवगछिया में संक्रमित व्यक्ति के चयन में आए लोगों का लिया गया सैंपल। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में बुधवार को पिछले दिनों नवगछिया में बड़ी संख्या में पाए गए पुलिस पदाधिकारी व नवगछिया नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उन लोगों के संपर्क में आए लोगों का सैंपल लिया गया। इस दौरान कुल 50 लोगों का सैंपल जांच के लिए लिया गया है। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि बुधवार को संक्रमित व्यक्तियों के चयन में आए कुल 50 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। जांच के लिए लिए गए सैंपल में नवगछिया पुलिस लाइन के पुलिस पदाधिकारी व पुलिस के जवान सहित नवगछिया शहर एवं ग्रामीण इलाके के लोग शामिल हैं। नवगछिया में एक सप्ताह से बिजली कट से अनुमंडल के लोग हैं परेशान। बिजली विभाग की लापरवाही से अनुमंडल में एक सप्ताह से लो वोल्टेज की समस्या और बिजली कट से उपभोक्ता परेशान हो गए हैं। इसके चलते उपभोक्ताओं ने घरों में दिए जलाने लगे हैं। नवगछिया नगर के अलावे ग्रामीण क्षेत्र में भी बिजली की स्थिति बदतर होती जा रही है। नवगछिया ग्रिड से बिजली की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण 24 घंटे में मात्र 8 से 10 घंटे ही बिजली उपभोक्ताओं को मिल रही है। उपभोक्ता बताते हैं कि ग्रिड में फोन करने पर वे तरह तरह के बहाना बनाते हैं और फोन भी रिसीव नहीं करते हैं। वहीं पूछे जाने पर कार्यपालक अभियंता प्रभांत रंजन ने कहा कि अभी खरीक पावर ग्रिड और इस्माइलपुर पावर ग्रिड में लोड दिया जा रहा है, जिसके कारण कुछ बिजली का समस्या उपभोक्ताओं को हो रहा है। वहीं कहा कि बीच बीच में जो बिजली मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जो कि यह भी समस्या आ जाता है। बहुत जल्द ही इस समस्या को दुरुस्त कर लिया जाएगा। नवगछिया में फाइटर फिटनेस क्लब का उद्घाटन। नवगछिया के कचहरी ग्राउंड में बुधवार को फाइटर फिटनेस क्लब का ऑनलाइन उद्घाटन आर्मी के जवान मुकेश कुमार सुमन और इंजीनियर कृष्ण कुमार ने किया। दोनों ने उपस्थित लोगों से सीधा संवाद भी किया और लोगों को स्वस्थ और पूरी तरह से फिट रहने के टिप्स भी दिए। फौजी मुकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा फिटनेस के लिए देना चाहिए, इससे बीमारी दूर रहेगी और लंबी उम्र हो जाएगी। वहीं मौके पर क्लब के संचालक अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी फाइटर जेम्स ने कहा कि देखा जा रहा है कि नवगछिया में कई लोग अपने फिटनेस के प्रति जागरूक हैं, लेकिन उन्हें हल्के व्यायाम और वजन कम करने के मामूली तरीके में के बारे में पता नहीं है, जिसके कारण लोग मेहनत के बावजूद फिट नहीं हो पाते हैं। वहीं मौके पर फाइटर जेम्स डॉक्टर राजू सिंह, बबीता कुमारी, मोहम्मद नाजिम, गौतम यादव, शिवम यादव, अंकित कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। फिटनेस क्लब का उद्घाटन हुआ है कचहरी ग्राउंड पे और हमारे आर्मी के जवान जो ऑनलाइन उद्घाटन किए मुकेश कुमार सुमन और इंजीनियर साहब हैं। बाढ़ संघर्षात्मक बल के अध्यक्ष ने अभियंताओं संग किया विभिन्न स्तरों व बंडाल का निरीक्षण। बाढ़ संघर्षात्मक बल के अध्यक्ष इंजीनियर गिरजानंद सिंह ने बुधवार की दोपहर को अधीक्षण अभियंता इंजीनियर मोहम्मद जफर रशीद खान व कार्यपालक अभियंता इंजीनियर अनिल कुमार के साथ इस्माइलपुर बिनटोली के बीच स्थित विभिन्न स्तरों व बंडाल का निरीक्षण किया। डरे सहमे पीड़ित परिवार से मिले वैश्य समाज के सदस्य। नवगछिया प्रखंड के खैरपुर बाजार में बीते दिनों व्यवसायी अशोक जायसवाल के दुकान के आगे गोलीबारी करने और बार बार मोबाइल से जान मारने व रंगदारी मांगने की घटना के बाद डरे सहमे पीड़ित परिवार की सुध संपूर्ण वैश्य समाज ने ली है। संगठन के सदस्य संपूर्ण वैश्य समाज के प्रदेश संरक्षक सुरेश भगत के नेतृत्व में खैरपुर पहुंचे। परिवार से मिलकर श्री भगत ने घटना की पूरी जानकारी ली और पत्रकारों से मुखातिब होकर कहा कि पुलिस जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तार करे, नहीं तो वैश्य समाज उग्र आंदोलन को बाध्य हो जाएगा। अनियंत्रित ट्रक ने मकनपुर चौक NH 31 के समीप खड़ी महिला को मारा, ठोकर गई जान। गोपालपुर थाना क्षेत्र के मकनपुर चौक NH 31 पर बुधवार को अनियंत्रित ट्रक के धक्का लगने से एक महिला की जान चली गई। मृतक महिला कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के फलका निवासी मोहम्मद तैयब की पत्नी अमीमून खातून है। दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची गोपालपुर पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। वहीं पूछे जाने पर गोपालपुर थाना अध्यक्ष श्रीकांत भारती ने बताया कि दुर्घटना के संदर्भ में गोपालपुर थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। नारायणपुर में सड़क हादसे में पति पत्नी की गई जान। नारायणपुर प्रखंड के NH 31 सतियारा गांव के पास बुधवार को नारायणपुर से चौसा जा रहे बाइक सवार पति पत्नी की जान सड़क हादसे में चली गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे बीरपुर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार, भवानीपुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक दंपति नारायणपुर के चक्रामी निवासी अरविंद मंडल उर्फ पप्पू मंडल एवं उनकी पत्नी इंदु देवी के रूप में पहचान की गई।
बीपुर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि पीएससी के चिकित्सकों के अनुसार जख्मी गौतम मंडल खतरे से बाहर है। जख्मी गौतम मंडल के फर्द बयान पर अज्ञात वाहन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, वीआईपी, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294855586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178773250524 37 पर। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट।